खंड दीप बताया है वो ऐसा जलाना है कि आपके मन में और बुद्धि में गहरी छाप हो जाए कि नहीं, मैंने ये दीप भगवान के लिए इसलिए जलाया कि मेरे शत्रु का मर्दन हो, मेरे शत्रु का नाश हो, उसकी क्रिया और बल खत्म हो जाए और उसकी ताकत खत्म हो जाए, उसका जप उसका भजन खत्म हो जाए। तो आप देखेंगे वही काम हो रहा है और आप ये भी देखेंगे कि उसका मारण भी हो रहा है। क्या हो रहा है? मारण भी हो रहा है। पिछले एक महीने में 4 लोग हमारे पास आने वाले ऐसे हैं जिनके शत्रु बिल्कुल जवान थे और वो मर गए। आ गए ना समझ में? क्या थे? जवान थे और वो मर गए और उनको कोई कोरोना नहीं हुआ, केवल उन्होंने अखंड दीप की जैसे धारणा की, ठीक है कि नहीं, और हमारे यज्ञ में शामिल हुए, क्योंकि पीछे हमने बहुत लंबे समय तक शत्रु मारण के लिए यज्ञ किया और आपने जप किया। तो उसी वैदिक विधि से, उसी वैदिक रीति से, जिस रीति से भगवान राम ने हमारे लिए राक्षसों का वध किया, उसी रीति से हमने अपने शत्रुओं को धराशायी करना शुरू कर दिया और उसी रीति से हमने उनकी सिद्धियां हजम कर ली, उसी रीति से हमने तत्काल प्रभाव से उनकी बहुत सारी चीजें हरण कर ली। तो अब वो चीजें तो रहती नहीं है, जैसे सिद्धि तो रहती नहीं है, तो वो क्या करते हैं? जब सिद्धि नहीं रहती है तो वो रोजाना के जप के सहारा लेते हैं, तिल मिलाते हैं और ज्यादा जप करते हैं और ज्यादा मांगते हैं भगवान से, और भगवान उनकी मांग को, डिमांड को पूर्ण करते ही करते हैं। तो अखंड दीप कैसे जलाना है? एक तो तिल के तेल का जलाना है। तो शनिवार का जब दिन आए, दिवस आए, सभी को बता रहा हूं मैं, शनिवार का जब दिवस आए, दिन आए, तब दोनों हाथ जोड़ के तैयारी कर लेनी है, हाथ में दाहिने हाथ में जल लेना है और बोलना है कि मनु भैया को साक्षी मानकर, शनिदेव महाराज, मैं आपको अखंड दीप आपके निमित्त जलाता हूँ, मुझे इसकी शक्ति का एहसास हो, मुझे आपकी कृपा का एहसास हो और जो मेरा शत्रु है उसका नाश हो, उसका मारण हो, उसकी सिद्धियों का मारण हो और जो बल उसने मेरे ऊपर लगाया है उसका वो बल क्षीण हो जाए, उसकी वो शक्ति क्षीण हो जावे, ठीक है, मेरी वृद्धि हो, मेरे कुल की वृद्धि हो और मेरे घर में सभी प्रकार से समृद्धि हो, सकल बंधनों का नाश हो, मैं इसके लिए आपको मनु भैया को साक्षी मानकर अखंड दीप प्रदान करता हूँ, अखंड दीप दान करता हूँ और मेरा दान स्वीकार हो, हे प्रभु मेरी पूजा सफल हो, मेरी पूजा स्वीकार हो, हे शनिदेव महाराज आप करुणामय हो। वहाँ बैठ के 7 शनिसर एक टाइम में पढ़ दो, 7 एक टाइम में पढ़ दो, दोनों टाइम में आरती कर लो, बस इतना काम आप कर लेना, बाकी मेरा काम, बाकी आप देखोगे शनिदेव महाराज को आपके घर में आते जाते और उसके दूतों को भी आते जाते आप देख लोगे, ठीक है ना, इसी से आपको परम लाभ प्राप्त हो जाएगा। ये सेवा करनी है 8 दिन कम से कम, 8 दिन में ही आपको लाभ होगा, तो इसी सेवा को फिर आप अपने आप बढ़ा दोगे, आए ना समझ में। किसी पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ सकता है, लेकिन वो दबाव तभी पड़ेगा जब उस पर बहुत बड़ी क्रिया होगी, अगर उसकी क्रिया यहाँ से काफ़ी हद तक कट चुकी है तो मैं ये कह रहा हूँ फिर आप बहुत जल्दी उन्नति पा जाओगे, तब आप पे कोई भी क्रिया असर करनी बंद हो जाएगी, उत्तरोत्तर आप ठीक होते चले आओगे। तो ये एक जो मैंने अभी ये विधि बताई है, इसको करते रहने से और शनिधाम में आने से आप संपूर्ण रूप से ठीक हो जाओगे और सारा मल हट जाएगा। बोलो जय।